मॉर्निंग क्लास, आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे संस्कृत। आज हमारा संस्कृत का पीरियड है, पीरियड नंबर 16। चलती पाठ डी जी भारतम ने पढ़ा है, हमने देखा है कि भारत भी डिजिटल इंडिया बनने वाला है। हम भी क्या है, आगे डिजिटल इंडिया की तरफ ही बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ हम लोगों ने भी ऑनलाइन करना, कार्य करना शुरू कर दिया है, पर अभी कहीं ना कहीं हम डिजिटल इंडिया में प्रवेश तो कर गए हैं, पर पूर्ण रूप से हमारा भारत डिजिटल इंडिया नहीं बना है। उसी को दर्शाती हुई ये हमारा लेख है, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बन जाने पर भारत कैसा हो जाएगा। हमें जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी भी हम सिर्फ एक मोबाइल लेकर चलते हैं और मोबाइल के द्वारा ही हमारे सारे कार्य हो जाते हैं, पर अभी हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम सब कुछ सीख जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब हम डिजिटल इंडिया में रहने वाले इंडियंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पाठ में हमने अभी तक वाक्य बनाना सीखा था। ठीक है, संधि कृत्वा लिखत, संधि करके हमने शब्द लिखना सीखा, वाक्य बनाना सीखा। आज हम कुछ पद दिए जिन्हें हमें चतुर्थी विभक्ति में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे पहले और कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। प्रश्न नंबर आप डालेंगे आपका जो भी आ रहा है। ठीक है, इसमें 7 नंबर है। उदाहरणानुसारम, और ये
क्या करता हूँ, वस्त्र देता हूँ। घर नंबर लिखिए, पंचमी विभक्ति बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर सी राइटिंग में कर लेना है। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे या तो इच्छा, या तो इच्छा मतलब आशा, मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। ठीक, अगला लिखिए सेकंड वाला कर्तुन इच्छा, कर्तुन इच्छा, कर्तुन इच्छा माने जी ईर्ष्या, करने की इच्छा। ना हिंदी आपके समझने के लिए लिख दी गई है। ठीक है, आप थर्ड नंबर देखिए पातुम इच्छा, मतलब पातुम इच्छा, पातुम मतलब प्राप्त करना। ठीक है, इसका हो जाएगा पातुम पीना, इसका हो जाएगा पीपाशा, मतलब पीने की इच्छा, जिगमीषा,
कॉपी में कर लेना है। धन्यवाद बच्चों।